देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9-9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा, फिर भी आप कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा, जिस प्रकार से संजय सिंह को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर को 1 साल से कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और कांग्रेस पार्टी जो आपकी साथी है, 1-2 महीने पहले तक तो वो खुद पोस्टर लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है कि घोटाला तो हुआ है। तो आज इन सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन कर दिया, कैसे आपने होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, किस प्रकार से जब कोविड का कालखंड था तो हजारों करोड़ रुपए आपने शराब घोटालेबाजों की जेबों में डाल दिए, इसका जवाब देने के बदले आप विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। और देखिए कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से जेल चलाने की, तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का।